दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें। तो उसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है इनकम टैक्स, इतना टाइप करके आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको इस वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जैसे वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार स्टेटस, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन से आप पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंकिंग स्टेटस चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा, यहाँ पर बता देगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। अगर लिंक नहीं होगा तो ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा लिंक करने के लिए। तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। यहाँ पर हमें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है लिंक आधार, तो आपको लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर पेमेंट करना होगा 1000 का। तो उसके लिए यहाँ पर आपको कंटिन्यू विद पे थ्रू इट पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपको अगेन अपना पैन नंबर इस वाले बॉक्स में एंटर कर देना है। वाले बॉक्स में अगेन आपको पैन नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है जिसपे ओटीपी आ सके। डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कई सारा ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इनकम टैक्स में प्रोसीड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर पे क्लिक करके यहाँ पर आपको 2024 से 2025 के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद टाइप ऑफ पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, रिसिप्ट 500। उसके बाद सब टाइप ऑफ पेमेंट के ऑप्शन में यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर 1000 दिखाया जाएगा, इसका हमें पेमेंट करना है। तो आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर कई सारा ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और लास्ट में यूपीआई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो लास्ट वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कई सारे बैंक के पेमेंट गेटवे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो कोई भी बैंक को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर SBI बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस आएगा। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक होगा बीपीए का और दूसरा होगा क्यूआर कोड का। तो अगर आप बीपीए के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप यूपीआई आईडी डालकर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो आपके उस पेमेंट ऐप में रिक्वेस्ट जाएगी, उसको आपको अप्रूव कर देना है। जैसे आप अप्रूव कर देंगे मतलब पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्यूआर कोड का। तो जैसे हम क्यूआर कोड के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को हम स्कैन करके पेमेंट कर देंगे तभी हमारा पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेमेंट को कंप्लीट कर दिया है। जैसे मैंने पेमेंट को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो गया है। इस पेमेंट डिटेल्स का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। आप यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, जो ये पेमेंट रिसिप्ट है वो आपके फोन में डाउनलोड भी हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपको अगेन इसी वेबसाइट पर आना है। आने के बाद आपको लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको अगेन अपना पैन नंबर एंटर कर देना है और इस वाले बॉक्स में आधार नंबर एंटर कर देना है। डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड दिस पैन, मतलब हमने पेमेंट कर दिया है लेकिन यहाँ पर जो पेमेंट डिटेल्स है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। जब तक यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है वो शो नहीं होगा तब तक हम अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 24 आवर्स तक वेट कर लेना है। वेट करने के बाद अगेन आपको वेबसाइट पर आना है। आने के बाद आपको अगेन लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आने के बाद आपको पैन नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पेमेंट था वो यहाँ पर फैच होकर के आ गया है।
है, अब हम अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। जब आपका यहाँ पर पेमेंट शो होने लगे तो आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड पर जो आपका नाम है वही सेम नाम आपको इस वाले बॉक्स में एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पर लास्ट में दो टर्म एंड कंडीशंस आएगा। यहाँ पर आपको पहला वाला ऑप्शन तब सिलेक्ट कर लेना है जब आपके आधार कार्ड में केवल ईयर ऑफ बर्थ है, और अगर आपके आधार कार्ड में ईयर ऑफ बर्थ नहीं है, पूरा डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है और दूसरे वाले टर्म एंड कंडीशंस को आपको मस्ट एक्सेप्ट करना है, तो आपको दूसरे वाले चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेना है। डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक और ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने का जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा और 48 आवर्स में आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ या नहीं यह चीज चेक करने के लिए आपको अगेन वेबसाइट पर आना है। आने के बाद आपको लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको वी लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने वी लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो देख सकते हैं जो हमारा पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक हो गया। सो इस तरीके से आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।